25 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन, युवा धन की तबाही, आत्महत्या जैसी घटनाएं एवं अवांछनीय कृत्य खूब होते हैं। इस बात को सभी जानते हैं। इसीलिए प्राणी मात्र के लिए सबका मंगल सबका भला सोचने वाले पूज्य बापूजी ने कहा कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक तुलसी पूजन, गौ गंगा गीता जागृति यात्रा, माला पूजन, गीता पठन, हवन, मंत्र अनुष्ठान, सामूहिक सेवा, सत्संग आदि अलग अलग कार्यक्रम देश भर में आयोजित हों, जिससे सभी मनुष्यों की भलाई हो, तन तंदुरुस्त व मन प्रसन्न रहे तथा बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रसाद प्रकट हो और ना आत्महत्याएं करें, ना गौ हत्याएं करें, ना यौवन हत्याएं करें, बल्कि आत्म विकास करें, गौ गंगा की रक्षा एवं विकास करें, गौ गंगा तुलसी से ओजस्वी तेजस्वी बने व गीता ज्ञान से अपने मुक्तात्मा महान आत्मा स्वरूप को जाने। अतः पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से ये दिन 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक विश्व गुरु भारत अभियान के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, 28 दिसंबर को माला पूजन, गौ पूजन व यज्ञ कार्यक्रम, 30 दिसंबर को सुबह सहज स्वास्थ्य एवं योग प्रशिक्षण, 30 दिसंबर से 1 जनवरी विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर तथा 31 दिसंबर राष्ट्र जागृति यात्रा निकाली गई। देश में सुख, सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति से जन समाज का जीवन मंगलमय हो, इस लोक हितकारी उद्देश्य से पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को पूरे देश में तुलसी पूजन दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है। भारतीय संस्कृति में तुलसी को माता कहा गया है। ये माँ के समान सभी प्रकार से हमारा रक्षण व पोषण करती हैं। तुलसी पूजन, सेवन व रोपण से बुद्धि बल, मनोबल, चारित्र बल व आरोग्य बल बढ़ता है। सभी संत श्री आसाराम जी आश्रमों, आश्रम की सेवा समितियों, युवा सेवा संघों, बाल संस्कार केंद्रों, महिला उत्थान मंडलों तथा संत श्री आसाराम जी गुरुकुलों के अलावा देश विदेशों के अनेक स्थानों में ये पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया। अट्ठाईस दिसंबर को देश विदेश के लगभग सभी आश्रमों में साधकों ने अपनी माला को पीपल के पत्ते पर रखकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन किया। माला का पूजन कर साधकों ने पूज्य बापूजी की शीघ्र रिहाई के लिए भगवान नाम जप और हवन भी किया। उसके बाद भारतीय संस्कृति का प्रतीक गौ माता की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। योगासनों द्वारा सहज ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस दिन अलग अलग योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही उनसे होने वाले लाभ से लोगों को अवगत भी कराया गया। तीस दिसंबर से 1 जनवरी तक विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन बाल संस्कार केंद्रों द्वारा करवाया गया। इस शिविर में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें ध्यान, त्राटक, प्राणायाम और उपयुक्त योगासनों के साथ साथ विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का सिंचन भी किया गया। विद्यार्थियों ने शिविर का भरपूर लाभ उठाया। ऐसा माना जाता है कि गाय, गंगा, गीता और तुलसी ये कलयुग में स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। इसीलिए समूचे राष्ट्र के भले के लिए 31 दिसंबर का दिन देश भर में जगह जगह राष्ट्र जागृति यात्रा के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें गाय, गंगा, गीता और तुलसी आदि की महिमा जन जन तक पहुंचाई गई।